हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें मार्केट जैसा कपकेक खाना है और आपके पास ओवन नहीं है और आप अंडा नहीं खाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और ये 10 मिनट में बहुत ही ज़्यादा शानदार टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा और खासकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले आप कुछ बिस्किट ले ले, मेरे पास यहाँ कुछ बिस्किट थे, 30 से 40 ले लिया है, तो इसे तोड़ देंगे। आप चाहे कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं। इसे मिक्सिंग जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। फिर एक कप दूध डालकर वापस से इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद इसमें इनो डाल देंगे। इनो डालने के बाद वापस से ब्लेंड कर लेंगे और कुछ दूध डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद से यहाँ बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। तो इसे छोटी छोटी जो हमारे घर कटोरी होती है ना चटनी वाली, इस कटोरी में रख देंगे और उसमें इस बैटर को डालकर बैटर को रख देंगे और इसके बाद से एक कढ़ाई गैस पर गर्म कर देंगे और इसमें स्टेन के लिए आप कटोरी रख दें या इसे इस तरीके से कटोरी को कढ़ाई में रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम बेक करेंगे। चाहे तो इसे आप माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और इस तरीके से कढ़ाई में इसे रख कर और ढक देंगे, कवर कर देंगे और कवर करके इसे 10 से 15 मिनट तक बेक होने देंगे। और इसके बाद से आप इसे बीच में चेक कर ले और चेक करने के बाद यहाँ, और इसके बाद से ये देखिए 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। और तो इसके बाद इसे आप निकाल दें, इसे निकाल कर और ठंडा होने के बाद इसे खाएं कट कर कर, और ठंडा होने के बाद इसे कट करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिस्किट से बना हुआ कपकेक घर पे बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर ही मार्केट जैसा कपकेक, मफिन, कोई सा भी बिस्किट के बना के दे सकते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। और अगर आपके पास भी इस तरह की बिस्किट बच्चे नहीं खा पाते हैं, पड़े रहते हैं, तो इसे आप भी इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा कपकेक बना के दे सकते हैं बच्चे को, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा खाने में। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और आज की रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।